माँ, मैं परदेश के लिए परसों का जहाज पकड़ रहा हूँ। नाना बेटा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, मेरा जी घबरा रहा है। तुझसे पूछकर ही तो जाने का फैसला किया था, अब क्या हो गया? अरे वो सुखी आई थी, बता रही थी उसका बेटा परदेश जाकर फंस गया। 16-16 घंटे काम कराया और पगार दी आधी, पासपोर्ट भी रख लिया और पिटाई भी की। नाना बेटा, मैं नहीं चाहती तेरे साथ ऐसा कुछ हो। माँ, वो मूर्ख फर्जी एजेंट के जरिए चला गया होगा, मैं तो पूरी जांच पड़ताल करके जा रहा हूँ। मेरे एजेंट का नाम सरकारी सूची में दर्ज है, सारे कागज मैंने चेक करा लिए, पासपोर्ट की कॉपी और एजेंट का नाम नंबर तेरे पास रखवा कर जाऊंगा। अपना काम भी अच्छे से सीख लिया है मैंने और थोड़ी बोली भी सीख ली है, इसलिए मैं नहीं फंसने वाला। पर बेटा, तेरा कोई जानकार तो नहीं है वहाँ? माँ, वहाँ भारत सरकार का दफ्तर है जिसे दूतावास कहते हैं, मैं जाते ही उनसे संपर्क करूंगा, तू बिल्कुल फिकर मत कर और मुझे खुशी खुशी भेज। जी हाँ, परदेश में नौकरी पाओ तो सुरक्षित जाओ, प्रशिक्षित जाओ, जाते ही भारतीय दूतावास से संपर्क करो। परदेश में आपका दोस्त भारतीय दूतावास।